मध्य प्रदेश में है चुनाव और है सबसे बड़ा सवाल, मध्य प्रदेश का युवा किसे करेगा वोट, किसका देगा साथ, किसकी हो रही बात, क्या है युवाओं के मुद्दे और किन मुद्दों से है दूर, होगी सब पर बात। तो शुरू करते हैं मुद्दे की बात हमारे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है मुद्दे की बात हमारे साथ में। मैं हूँ सपना, मेरे साथ है मेरे सहयोगी अदीप जी। तो आज का हमारा मुद्दा है युवा। जैसा कि सब जानते हैं कि चुनाव नजदीक है, सारी पार्टियां युवाओं को ही रिझाने में क्यों लगी हैं? मतलब युवा ही क्यों? सपना, सारी पार्टियां चाहती हैं कि चुनाव जीता जाए, किसी भी तरह से जीता जाए, इसलिए हर वर्ग बहुत जरूरी है चुनाव में, और खास तौर पर युवा इसलिए क्योंकि आप देखें करीब करीब 5.5 करोड़ वोटर मध्य प्रदेश में है। इसमें आप देखिए कि 20 से 29 साल के जो मतदाता हैं उनकी संख्या करीब करीब 1.5 करोड़ है। इतने ही वोटर करीब 30 से 39 साल के हैं, और जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं जो मतदाता हैं उनकी संख्या करीब करीब 16 लाख है। तो 2.5 करोड़ के आसपास युवा वोटर है। तो जब इतनी बड़ी संख्या में युवा मतदाता होगा मध्य प्रदेश में, तो हर पार्टी कहीं ना कहीं चाहेगी कि इनको हम अपनी तरफ कर लें ताकि आसानी से चुनाव में जीत हासिल की जा सके। अच्छा, इस चुनाव में युवाओं के मुद्दे क्या होंगे वोट डालने में? ये बड़ा ही अहम सवाल आपने पूछा है। मुद्दे, आप देखिए मुद्दे क्या होते हैं, आप सुनती आ रही होंगी जब से आप राजनीति में हैं, समझ रखती हैं इस बात की पत्रकारिता में, कि शिक्षा को लेकर के युवा हमेशा से लड़ता हुआ आया है, अपना मुद्दा बनाते हुआ आया है। पर कहीं ना कहीं उस टाइम पर यह लगता था लोगों को कि अगर हम पढ़ लिख जाएंगे, शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो रोजगार हमको मिल जाएगा। पर अब शिक्षा के साथ ही रोजगार जुड़ गया है युवाओं के साथ, वो इसलिए क्योंकि गारंटी नजर नहीं आती कि अगर आप शिक्षित भी हैं तो भी क्या आपको रोजगार मिल जाएगा, इस बात की कोई गारंटी है नहीं। मध्य प्रदेश में आप खास तौर पर अगर देखेंगे कि युवाओं ने डिग्रियां हासिल की, युवाओं ने परीक्षाएं भी दी कई सारी परीक्षाओं के नतीजे भी आए, पर हुआ क्या, कई परीक्षाओं में कहीं ना कहीं घोटाला हो गया। हाल ही में आप देखिए पटवारी का जो घोटाला आया, उम्मीद के साथ में युवा गया था, पेपर दिया, रिजल्ट भी आ गया, जिन्होंने नंबर मिले खुशियां मना ली, जो नंबर नहीं ला पाए उनको दुख हुआ। फिर उसके बाद में घोटाले की बात सामने आ गई और नियुक्तियां वहीं रुक गई। इसके पहले भी आप देखिए ये कृषि विस्तार अधिकारी की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी जो टॉपर्स आए थे वो एक ही संभाग से आ गए, ग्वालियर चंबल संभाग से, 190 के आसपास ही सबको नंबर मिले थे, वो परीक्षा भी रद्द करानी पड़ी। नर्स की परीक्षा हुई थी उसमें क्या हुआ, पेपर लीक हो गया तो वो भी रद्द कर दी गई। तो ऐसे में युवाओं के बीच में ये भी सवाल है कि क्या वाकई में अगर पढ़ लिख जाया जाए, शिक्षा मिल जाए तो भी क्या रोजगार मिल जाएगा? ये तो सही बात है, बड़ा ही अहम सवाल कह सकते हैं हम इसको, जो युवाओं के दिमाग में चल रहा है फिलहाल। अच्छा अदीप, जो गांव के युवा हैं और जो शहर के युवा हैं, अगर इनको कंपेयर किया जाए तो क्या इनकी सोच अलग है, क्या इनके भी मुद्दे वही हैं जो गांव के युवाओं के मुद्दे होने चाहिए? देखिए, भारत एक ऐसा देश है, पूरे देश को आप देखेंगे जहां कुछ ही किलोमीटर में मैं कहूं कि अलग अलग लोगों का रहने का तरीका बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है। मध्य प्रदेश इससे कोई हटकर के नहीं है, और अगर आप कंपेयर करें शहरी वोटर को या गांव के वोटर्स को तो उसमें अंतर आ जाता है। गांव के वोटर पहले अगर हम देखें तो हो सकता था, हम कह सकते थे कि शिक्षा की कमी थी तो लगता था कि जो परंपरा चली आ रही है घर वाले परिवार वाले जिसको वोट करते हैं उन्हीं को वोट दे देते हैं। पर आज के टाइम में गांव का बच्चा भी अगर देखें बाहर पढ़ने के लिए जाता है, नए तरीके से सीख रहा है, समझ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अब इसे परिपाटी से हटकर अपनी मर्जी से वोट करता है। फिर भी एक अंतर है क्योंकि गांव के जो रहने वाले लोग हैं उनको अभी भी लगता है कि ज्यादा पढ़ लिख लेंगे तो सरकारी नौकरी उनको मिलना चाहिए, नौकरी कम से कम मिलना चाहिए ताकि वो अपना परिवार चला सकें और खुद भी सुरक्षित महसूस कर सकें। नौकरी मिलेगी मतलब ज्यादा सरकारी नौकरी को दी जाती है, ये एकदम सही बात है। शहर के युवाओं को आप देखें तो वो स्टार्टअप की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मेट्रो को भी देखते हैं, वो कहीं ना कहीं इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी देखते हैं, तो ये भी उनके लिए मुद्दे बन जाते हैं। तो दोनों, अगर शहर का युवा देखें गांव का युवा देखें तो सोचने में थोड़ा बहुत परिवर्तन तो है, और वोट करने के भी अलग अलग अपने अपने मुद्दे हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पे बात की युवाओं के मुद्दे के बारे में जी। अच्छा, जैसे कि पार्टियां हैं, अभी तो सारी पार्टियां युवाओं को रिझाने में लगी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो युवाओं की पसंद क्या है पार्टियों की? देखिए, युवाओं की पसंद क्या है ये बड़ी बड़ी पार्टियां भी नहीं समझ पा रही है, असमंजस की स्थिति में है। अच्छा, तो कौन सी पार्टी ज्यादा आकर्षित कर रही है युवाओं को? कांग्रेस ने जो एक मुद्दा पकड़ा है जिसको वो जोर शोर के साथ में उठा रही है, वो मुद्दा है बेरोजगारी का।
आप देखिए कांग्रेस पार्टी के जितने बड़े नेता हैं, चाहे वो कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, युवाओं के बीच में जाकर क्या कह रहे हैं कि देखिए आपके पास में रोजगार नहीं है, रोजगार की कितनी कमी आ गई, महंगाई बढ़ रही है पर आपके पास में रोजगार नहीं है, जो परीक्षाएं होती है उसमें धांधली हो जाती है, देखिए कैसे व्यापम का नाम बदलना पड़ा इसी धांधली के चक्कर में। शिवराज सिंह चौहान भी निकल रहे हैं, भाजपा के नेता भी जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने पुरानी सरकार के टाइम भी देख लिया कि आपको इतना विकास मिला था, क्या इंटरनेट की वो कनेक्टिविटी थी, आज अगर भोपाल में मेट्रो चलेगी, इंदौर में मेट्रो चलेगी तो फायदा किसका होगा, युवाओं का होगा, हमने स्टार्टअप के लिए अलग अलग योजनाएं निकाली हैं। तो दोनों पार्टियां अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं, पर मुझे लगता है कि आज मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो चरम पर तो है ही, और ठीक चुनावी साल में क्योंकि पटवारी का जो घोटाला हो गया, अलग अलग परीक्षाओं का घोटाला हो गया, तो व्यापक रूप इसने ले लिया। आपने कई सारे आंदोलन भी देखे होंगे, छात्र जमीन पर बैठे, हड़ताल पर बैठे अपनी मांगों को मनवाने के लिए, कि तो ये चुनाव में असर तो डालेगा ही। और मुझे लगता है कि फिलहाल एक तरह से कांग्रेस रिझाने की ज्यादा कोशिश कर रही है, क्योंकि उसके पास में आक्रामक मुद्दा है बेरोजगारी का। वहीं भाजपा चाहती है कि जो योजनाएं हमने निकाली हैं, चाहे वो स्टार्टअप को लेकर के हो, उसके जरिए युवाओं को जोड़ा जाए। अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा हमारे युवाओं के लिए। बिल्कुल दिलचस्प होगा, और युवाओं के बीच भी अब राजनीति शुरू हो गई, क्योंकि आपको पता है कि विश्वविद्यालयों के अंदर भी अलग अलग संगठन बनते हैं, तो वो अपने तरीके से रिझाने की कोशिश करते हैं। अब पार्टियां तो दावा कर रही हैं, अलग अलग आप पार्टी देखें, हर पार्टी दावा कर रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा युवाओं को टिकट भी देंगे, पर आप पार्टी कितने युवाओं को टिकट देती है इससे बड़ा सवाल है कि ज्यादा से ज्यादा युवा इस बार किसका साथ देते हैं, क्योंकि जिसका दामन युवा थाम लेंगे, जिसको वोट कर देंगे, आप समझिए कि वही मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज होता हुआ नजर आएगा जी। खैर, आप लोगों को ये चर्चा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप भी युवा हैं तो आपके मुद्दे क्या हैं ये भी हमको जरूर बताएं, ताकि अगले मुद्दों के ऊपर हम फिर से चर्चा कर सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इसको फेसबुक में देख रहे हैं तो हमको फॉलो करना ना भूलें, और अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो दखल न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।